मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए, मान लो आपके पास कोई भी डेट है, चाहे वो आपकी डेट कितनी ही पहले से हो या फिर आगे आने वाले टाइम की कोई डेट होती है, तो उसका हम क्या डे है, मतलब क्या वार होगा या क्या वार था, ये हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें क्या ट्रिक लगानी होती है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख रखी हैं, ये आप अपने कॉपी पेन लेकर के इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम पर इनका रिवीजन करके आप कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसके 100% श्योर आंसर टिक लगाओगे। तो ये देखिए, हम आज कोई भी डेट लेके चलते हैं, चाहे पहले की ले लो चाहे आगे आने वाली ले लेते हैं। तो मान लो हम कोई एक पहले से ही डेट ले लेते हैं, 15 नवंबर 2000, सपोज करो यहाँ पर हमें ईयर लेना है 8, तो हमें ये बताना है कि 15 नवंबर 2008 को क्या वार था। तो इसके लिए बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है और आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको 15 दिखाई दे रहा है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ये एज इट इज लिखा जाएगा 15। अब इसके बाद जो नंबर है वो है 11, और 11 हमारा इंडिकेट करता है नवंबर को। तो ये मैंने ऊपर मंथ कोड लिखे हुए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मंथ के कोड हैं। तो आपके पास यदि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी मंथ आता है उसमें से इनके जो आगे कोड लिखे हुए हैं वो हमें लिखने हैं। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 एंड दिसंबर का 6। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है, हमारा मंथ है 11, 11 इंडिकेट करता है नवंबर को, तो नवंबर का जो कोड है वो है 4, तो हम इस कॉलम के अंदर 4 लिख देंगे। इसके बाद ये जो हमारा 20 है, 20 इंडिकेट करता है सेंचुरी को। 20 जैसे यहाँ पर देखो सेंचुरी कोड गिवन है, यदि 1500 से 1599 है तो कोड 0 आएगा। इसी तरह 1600 से लेकर के 1699 तक कोड 6 आएगा। इसी तरह से ये हमारे गिवन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20, तो ये देखो 2000 से लेकर 2099 तक जो कोड रहेगा वो रहेगा 6, तो हम इस कॉलम के अंदर फिल कर देंगे 6, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद ये है हमारा ईयर 2008, तो जो लास्ट में जो कॉलम है हमारा वो एज इट इज आता है। जैसे डेट का एज इट इज आया था, उसी तरह से जो भी यहाँ पर ईयर होगा वो एज इट इज आएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारा ईयर गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ईयर है 8, तो आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे हर बार, चाहे यहाँ पर 8 है, 7 है, 10 है, 15 है, 18 है, जो भी है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद आप ये देखो क्या वैल्यू आती है, 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो हमें यहाँ लिखना है 2। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 8 की बजाय 10 होता, तो 10 को भी हम 4 से ही डिवाइड करते, और 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं जाएगा, 4 2 8, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इस 2 को हम छोड़ देंगे, हमें ये देखना है कि कितने लीप ईयर बनते हैं, तो इसमें लीप ईयर बनेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर ईयर 18 होता, तब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद 4 4 जा 16, और रिमाइंडर आएगा 2। हमें इस रिमाइंडर को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि 18 ईयर्स के अंदर लीप ईयर कितने बनते हैं, तो इसके अंदर लीप ईयर बनेंगे 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से 2008 के अंदर जो 8 ईयर्स है उसके हमें देखा कि कितने लीप ईयर बनते हैं 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो देखिए क्या होगा, 15 प्लस 4 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 10 35।
अब जो ये टोटल हमारा 35 आया है, अब हम क्या करेंगे, इस 35 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो जैसे ही हम 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 × 5 = 35। तो जो रिमाइंडर है, अब की बार हमें रिमाइंडर को देखना है, तो रिमाइंडर हमारा 0 है। अब डे कोड हमारे पास यहाँ गिवन है, संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, ट्यूजडे का कोड है 3, वेडनेसडे का कोड है 4, थर्सडे का कोड है 5, फ्राइडे का कोड है 6 और सैटरडे का कोड है 0। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें ये देखना है कि 0 कौन से डे में है, तो 0 है सैटरडे में। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15 नवंबर 2008 को जो वार था वो था शनिवार। तो इस तरह से आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे उसमें शनिवार को आप टिक लगा दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास डेट हम सेम ही ले लेते हैं, ईयर चेंज करके देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए, चाहे आपको आज का ही एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ, आज हमारी डेट है 1 फेब, फेब को हम लिखेंगे 2019। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, डेट है 1 और ये जो हमारा मंथ है 2 इंडिकेट करेगा फैब को, और फैब का कोड क्या है 4, तो हम एज इट इज 4 ही लिखेंगे। फिर इसके बाद आती है बात सेंचुरी की, तो सेंचुरी कोड हमने लिखे हुए हैं और सेंचुरी कोड है यहाँ 6, तो यहाँ पे ये 6 एज इट इज रहेगा। अब बात आती है 19 की, 19 ईयर है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था ये एज इट इज आएगा, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज आते हैं। अब 19 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमें देखना है कि 19 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर्स बनते हैं। तो 4 × 4 = 16 और 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, हमें इस 3 को काउंट नहीं करना, हमें ये देखना है कि कितने कंप्लीट लीप ईयर बनते हैं। तो लीप ईयर बनेंगे इसमें 4, तो हम यहाँ 2 के प्लेस पे 4 लिख देंगे। अब हम इन सब को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें देखना है क्या आंसर आता है। तो 19 + 1 = 20, 6 + 4 = 10, तो 20 + 10 = 30, 34। तो हमारा इनका टोटल जो है वो है 34 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 = 28। अब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6। तो इसके अंदर देखो, अब जो डे कोड है उसके अंदर 6 कोड के सामने देखो कौन सा डे है, फ्राइडे, तो आज फ्राइडे ही है और हमारा आंसर भी जो है वो फ्राइडे है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से आपने समझना है। और यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।